यमराज। प्रभु भोलेनाथ। निष्ठापूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो किंतु हम महाकाल हैं? हमारी निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा ये बालक मार्कंडे शिव कृपा से अवध्य हो गया है। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड ना देते? अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम तो कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाले परम ज्ञानी हो। क्या इस सत्य को नहीं जानते कि इस सृष्टि की रचना हमारी लीला मात्र है? नित्य शिव भक्ति करने वाले का सार्वभौम कल्याण इस सृष्टि और हमारा अटल नियम है। जानता हूं परमेश्वर, जानता हूं। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि जो जीव आत्मा अपना जीवन मुझ में समर्पित कर देता है वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला एवं मुझे प्रिय होता है। क्या ये सब नीति ज्ञान हमें पुनः दोहराना होगा यमराज? नहीं भोलेनाथ, नहीं। अपने इस दास पर कृपा करें और आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना उचित होगा। यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब ये बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया, किंतु विधाता के विधान के अनुसार इसकी अल्पायु स्पष्ट है भोलेनाथ। किंतु उसी विधान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अल्पायु पूर्ण होने पर आप इसके प्राण हरने आएंगे, उसी समय हम दोनों उपस्थित होकर न केवल इसके अभिशाप को समाप्त कर इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे अपितु इसे अमरता का वरदान भी देंगे। किंतु चित्रगुप्त के आलेख में आपके मृत्यु लेखाकार चित्रगुप्त ने मार्कंडे के अल्पायु होने का विवरण तो अपने पृष्ठों में लिख दिया, किंतु हम दोनों के आगमन की बात लिखना वो भूल गया। ये भूल अक्षम्य अपराध है यमदेव। अब मेरे लिए क्या आ गया है स्वामी? अब आप यमलोक लौट जाए तथा वहां की व्यवस्था नियंत्रित करें। आपके आलेखों में त्रुटि सृष्टि के अनर्थ का कारण बन सकती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में कभी आप कर्म विमुख नहीं होंगे। इस उदंडता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम परम शिव भक्त मार्कंडे। मार्कंडे, तुम शिव कृपा के साथ ही साथ मेरे स्नेह के भी पात्र हो। इस क्षण से तुम मेरे लिए गणेश व कार्तिकेय के समान वे हो। मैं तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही अटूट स्नेह एवं सिद्धियां प्रदान करूंगी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय शक्ति माता पार्वती। जय सर्वेश्वर महादेव जी। हम अज्ञानी को क्षमा करें, हमने आपकी कृपा पर संदेह किया और मार्कंडेय के अल्पायु के भय से अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं किया। कृपा निधान,
आपकी कृपा अपरंपार है, आप तो दया के सागर हैं। आपकी भक्ति असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम है। जो एक बार निष्ठापूर्वक आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की समस्त चिंताएं आप पर ही छोड़ देनी होती है। परंतु हमने ऐसा नहीं किया भोलेनाथ, हमें क्षमा करें भोलेनाथ, हमें क्षमा करें। पुत्र के लिए चिंता करना माता पिता का स्वाभाविक कर्तव्य है, किंतु हमारे यहां प्रकट होने का कारण आपकी चिंता दूर करना नहीं, अपितु मार्कंडे की अविचल शिव भक्ति। मार्कंडे का नाम शिव भक्तों में उसकी अमरता के समान ही अमर हो गया है। पुत्र मार्कंडेय, तुम मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन गए हो। माता, आपके चरणों में एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। माता, अवश्य पुत्र। माता, दुष्ट देवताओं का अंत करने वाली आपके शक्ति स्वरूप की कथा मुझे बहुत प्रिय है। माता, शांत क्यों हो गए मार्कंडे, अपनी इच्छा निसंकोच कहो। यदि आप दोनों का आशीर्वाद हो तो मैं माता की दया, माया और शक्ति स्वरूप का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में लोक कल्याण के उद्देश्य से करने का इच्छुक हूँ। तुम्हारी कल्पना एवं इच्छा अत्यंत सुंदर है पुत्र मार्कंडे, इसे साकार करने के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे द्वारा रचित ग्रंथ न केवल मार्कंडे पुराण के रूप में जगत विख्यात होगा, अपितु आने वाले भविष्य में शक्ति स्वरूपा दुर्गा के भक्तों की भक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पुत्र मार्कंडेय, भविष्य में तुम्हारे द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण का मनन, पाठन एवं श्रवण करने वाला व्यक्ति मेरी विशेष कृपा का अधिकारी एवं मेरा परम भक्त कहलाएगा। इतना ही नहीं पुत्र, मार्कंडेय पुराण का प्रत्येक श्लोक पापी से पापी व्यक्ति को पाप मुक्त कराने वाला, शिव कृपा एवं कैलाश लोक प्राप्त कराने में सक्षम होगा। हाँ भोलेनाथ, माता पार्वती, आप दोनों के आशीर्वाद को आदेश समझकर मैं इसका पालन करूंगा। तुम अपने प्रत्येक अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की जय। पुत्र मार्कंडेय की जय। अमर मार्कंडेय का जय घोष शिव कृपा का परिणाम था। उन्हीं की कृपा से मार्कंडेय ने लोक कल्याण हेतु एक ग्रंथ की रचना की, जो मार्कंडेय पुराण अथवा दुर्गा सप्तशती के नाम से विश्वविख्यात हुआ। समय चक्र चलता गया और इसी चक्र ने कई नए प्रश्नों को जन्म दिया। शिव समाधि स्थल पर शिव समाधि अवस्था में विराजमान, नंदी, भृंगी और शिव गणों के मध्य माता पार्वती शिव चरणों पर पुष्प अर्पित करती है, किंतु उनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा है जिसका उत्तर मात्र त्रिकालदर्शी शिव शंकर को ही ज्ञात है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पति परमेश्वराय नमो नमः। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। कृपा निदान भगवान भोलेनाथ की जय। देवी पार्वती, आप हमसे कुछ कहें या न कहें, आपके मनमोहक अति सुंदर दोनों नयन ये स्पष्ट बता रहे हैं कि विगत रात्रि से आप हमसे पूछे जाने वाले एक प्रश्न को लेकर व्यग्र हैं। सर्वेश्वर, निस्संदेह विगत रात्रि को मेरे मन में उठने वाली जिज्ञासा ने
मुझे निद्रा से विचलित कर दिया है। आपकी समस्या उचित तो है किंतु समय उचित नहीं, अर्थात ये समय आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त नहीं। ऐसा क्यों स्वामी? व्यग्रता और चिंता का निराकरण आवश्यक होता है, अन्यथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यग्रता तथा चिंता को आपने स्वयं आमंत्रित किया है देवी, अन्यथा हर प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं हैं। व्यग्रता एवं चिंता का जिस दिन अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे। स्वामी, आप परिहास की भाषा का प्रयोग करके मुझे मेरी जिज्ञासा से विमुख कर रहे हैं। नहीं पार्वती, हम तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासा से विमुख नहीं, अभी तो संक्षिप्त में ये समझाने की इच्छुक है कि तुम्हारी जिज्ञासा का मार्ग बहुत कठिन है। जिसने परात परम ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर को अपनी साधना से प्राप्त किया हो, उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है स्वामी। किंतु ये इतना सहज नहीं है देवी। आपके लिए असहज हो भी क्या सकता है स्वामी? देवी, तुम अपनी जिज्ञासा में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छुक जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई युगों तक तपस्या और साधना करते हैं, परंतु उनमें से किसी भाग्यशाली को ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु ये शिव की शिवा के साथ अन्याय तो नहीं होगा? अन्याय? हाँ स्वामी। देवी, तुम उस शिव पर आरोप लगा रही हो जो अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में ही सर्वाधिक गौरवान्वित हुआ है। आज तक यही सोचकर मैं संतुष्ट हो जाती थी स्वामी, किंतु आज वो भ्रम भी टूट गया। पार्वती, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि आपके गौरवान्वित अर्धनारीश्वर स्वरूप में मेरा स्थान क्या है? ये कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रही हो, जो स्थान शरीर में आत्मा का है वही शिव में शक्ति का है। अर्धनारीश्वर रूप के पूर्णता का आधार तो तुम ही हो अर्धांगिनी। आपने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण क्यों किया था? तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए, संसार के पुरुष समाज को ये बताने के लिए कि नारी पुरुष की दासी नहीं अपितु पूरक है, समकक्ष है। शिव ही नहीं, प्रत्येक पुरुष में नारी और प्रत्येक नारी में पुरुष का अंश समाया रहता है, अर्थात नारी पर अत्याचार अन्याय करके पुरुष स्वयं अपने पर ही अत्याचार करता है। अर्थात इस समय आप स्वयं अपने पर अन्याय एवं अत्याचार कर रहे हैं। स्पष्ट कहो शिवा। स्वामी, शिव की शिवा किसी ऋषि मुनि तपस्वी से कम है क्या? ये कैसा अन्याय है स्वामी कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का पुरुष ब्रह्म ज्ञानी और नारी? तुम्हारी चतुराई प्रशंसा के योग्य है पार्वती, तर्क और शास्त्रार्थ में उदाहरण अच्छे हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्रदान करेंगे, किंतु किंतु इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा तपस्या और योग में। जब शरीर शांत और मन परम तत्व में केंद्रित होकर ब्रह्म ज्ञान पाने को उन्मुक्त होता है, तभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा उत्तर सुनकर आप दुविधा में पड़ गई, इसीलिए आपने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता, प्रणाम भोलेनाथ। माता, क्या आपका यह सेवक आपकी खिन्नता का कारण जान सकता है? नारद, देवी पार्वती आज अकारण ही उदास हो गई है। अकारण? हाँ ना, देवी पार्वती हमसे ब्रह्म ज्ञान पाने की इच्छुक थी,
जिसके लिए इन्हें योग के माध्यम से तपस्या में लीन रहना होगा। इतना सुनकर ही ये उदास हो गई। नारायण नारायण, भोलेनाथ कैसा विचित्र संयोग है, मैं भी आज आपसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की आशा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस संयोग में विचित्रता के साथ ही साथ कई संकेत भी छिपे हैं नारायण। भोलेनाथ आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे युगों पूर्व घटित उस घटना का स्मरण करवाने की इच्छुक है जब मुझे ब्रह्मज्ञान का मिथ्याभिमान हो गया था और तब आपने मुझे वानर मुखी बनाकर दंडित भी किया था। विश्वास करें भोलेनाथ, तब से अब तक मैं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यग्र हूँ। आज वो अवसर आया है, माता के साथ साथ मुझे भी ब्रह्मज्ञान प्रदान कर कृत्य कृत्य करें। नहीं नारद, पार्वती को तो हमने ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बता दिया, किंतु तुम हमसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। आपसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का मुझे अधिकार नहीं, ऐसा क्यों भोलेनाथ? गुरु बिना ज्ञान नहीं ना। अपने गुरु को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य किसी से ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है वो अपने गुरु का अपमान तो करता ही, साथ ही अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता भी खो दे। और इस सत्य को तुम भली भांति जानते हो नाथ। नारद, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम अपने परम ज्ञानी गुरु बृहस्पति की शरण में जाओ। गुरु बृहस्पति?